जय भीम साथियों, मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। अक्सर बहुजन समाज में ये चर्चा होती रहती है कि हमारे नेता यानी बहुजन समाज के नेता अलग-अलग पार्टियां बनाकर क्यों लड़ते हैं, साथ क्यों नहीं आते। ऐसे तमाम सवाल बिना जवाबों के ही रह जाते हैं, लेकिन आज ऐसे ही जरूरी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विजय मानकर। विजय जी का एक अंबेडकरवादी नेता है और बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। विजय जी, द शूद्र की ओर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। शुद्रा चैनल को मेरे तरफ से जो है वो मंगल कामनाएं। आप आगे बढ़े, बड़ा चैनल बने। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपकी पार्टी है एपीआई, इस बार कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है? मतलब बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, बिहार में ही चुनाव लड़ रही है या इसके अलावा भी कहीं और तैयारी कर रही है? देखिए, दो जनरल इलेक्शन है मैडम, एक तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, और बाई इलेक्शन है मध्य प्रदेश में है, और एक दो सीटों पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो इन सभी जगहों पर जो है वो जितना सीट्स पॉसिबल होगी उसमें हम लोग कंटेस्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है बिहार में किस तरह का माहौल है आपकी पार्टी को लेके, और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी वहां पर? देखिए, एक हम एक स्पेशल पॉलिसी के आधार पर जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भारत की एकमात्र पार्टी है जो यूनिक है इन द पॉलिसीज, और ये पॉलिसीज जो है वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म पर बेस्ड है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो साइंस एंड सॉल्यूशंस, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस नेचर एंड वर्ल्ड जो है, यानी शॉर्ट में और भी शॉर्ट करूँ तो साइंस और ह्यूमैनिटी पर ये बेस्ड है। इसको लेकर फिर जो वेरियस अप्लीकेशन है इसके, एजुकेशन पॉलिसी से लेकर एग्रीकल्चरल पॉलिसी से लेके इंडस्ट्रियल अर्बन पॉलिसी से लेके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से लेके तो इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर तो SC ST OBCs माइनॉरिटीज के पॉलिसीज तक जो है वो वेरियस एप्लीकेशंस है इसके। तो इस बेसिस पर जो है हम वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का ये पहला मेजर चुनाव होगा। लोकसभा में ऑफकोर्स हमने कंटेस्ट किया था, असेंबली सीट्स जो है अभी देखते हैं, अभी तो नॉमिनेशन स्टार्ट होने का है, तो हमारा प्रयास है कि 100 के ऊपर सीटें जाना चाहिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। एपीआई को कितना टाइम हो गया है आए हुए और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ चुकी है? वैसे 2013 में जो है वो 14 अप्रैल को इसका फॉर्मेशन हुआ, और 6 दिसंबर को जो है 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन मिला ECI के तरफ से। और वी आर अ सीरियस पार्टी जो हरदम लोकसभा में हम लोग कंटेस्ट किए, दोनों लोकसभा कंटेस्ट किए। इस लोकसभा में हम लोग जो है 77 सीट्स पे जो है, पूरे इंडिया में जो है हमारी 77 सीट्स थी, और 381,000 वोट्स जो है एपीआई को मिला था। और रेगुलरली स्टेट लेवल पे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन तमाम स्टेट्स में हम लोग कंटेस्ट करते रहे हैं। इस बार हम नॉर्थ ईस्ट में आसाम तक भी गई है पार्टी। सर, इस बार जो आपकी पार्टी है बिहार में लड़ने जा रही है और बंगाल में लड़ने जा रही है, तो आपके पार्टी के अलावा प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित अघाड़ी है और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी चुनाव में है, बिहार के चुनाव में है, BSP भी मैदान में है, तो क्या ऐसे तमाम अंबेडकरवादी पार्टी एक दूसरे के लिए सिर्फ वोट काट नहीं रही है सर? वो क्योंकि ये तो नहीं, मैं दूसरे पार्टीज के विषय में तो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करूंगा, चाहे वो आपने जो भी पार्टीज का नाम लिया BSP है या ASP है, तो इनके विषय में मैं ज्यादा बात करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन जहां तक एपीआई है, एपीआई ये किसी कास्ट कम्युनिटी या क्रीड पर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये प्योरली साइंस और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड पार्टी है, और ये जो है पॉलिसी बेस्ड पार्टी है। उस लिहाज से हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि हमको नेशनल लेवल पर जो है वो पार्टी देना है, और नेशनल लेवल पे 5-6 सीरियस पार्टीज होनी चाहिए अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है। इसलिए हम अपनी पार्टी को बढ़ाना करना चाहते हैं पूरे देश में, और वी आर हैविंग अ वेरी साउंड पॉलिसीज। हमसे अगर वो पॉलिसीज को एग्री करके कोई लिमिटेड अलायंस करना चाहता है तो उसके लिए हम ओपन है, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो सर, जैसे बहुजन समाज के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी क्योंकि कई सारी जो पार्टी हैं मैदान में हैं, तो एपीआई में ऐसा क्या खास है कि बहुजन समाज इधर की ओर जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि इंडिया को अगर हमको न्यू इंडिया बनाना है, या जिसको मैं गोंडवाना कहता हूँ, ग्रेट गोंडवाना कहता हूँ, क्योंकि भारत से पहले गोंडवाना था, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे, प्री हिस्ट्री में जाएंगे, ट्राइबल कल्चर में जाएंगे, तो वी रिक्वायर स्पेसिफिक पॉलिसीज।
वो पॉलिसीज जो है वो बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं है, और जिन पार्टीज का आपने नाम लिया है उनको इसकी समझ नहीं है। जो भी आप लीडर्स की बात कर रहे हैं, भले वो अपने पार्टी के अध्यक्ष, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यदि आप मुझे भारत की सोल्यूशन को लेकर बात करने की बात करेंगे तो मेरा ऐसा क्लियरली मानना है कि भारत की किसी भी पार्टी को जो है इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, चार मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है इंडिया के अंदर में। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, दूसरी जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, तीसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, चौथी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये चार चीजें जब तक हम पूरी तरह रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज में नहीं लाएंगे, तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इंडिया का डेवलपमेंट केवल स्लोगन पे नहीं होगा, चाहे वो स्लोगन मोदी लगाए या कोई और लगाए, तो चाहे मोदी जी लगाए या मायावती जी लगाए, इससे जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडिया अभी हम बहुत क्रिटिकल फेज में है। अब हमारा जो कंट्री है, आने वाले 10 साल जो है, पर्टिकुलरली ये नोटबंदी से लेकर कोरोना बंदी तक जो गलत पॉलिसीज हुई, उसमें इंडिया बहुत ज्यादा पीछे आ गया है। अब जो है इसको यदि हमको मिडिल इनकम या हाई इनकम इकोनॉमी में लाना है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो चार बड़े रिफॉर्म्स को हमको जो है लाने की जरूरत है। इसको लेकर जो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया, और मैंने पार्लियामेंट को ऑलरेडी 16 बिल बनाकर दी अपने हाथों से ये रिफॉर्म्स को लाने के लिए, 10 बिल चुनावी, पूरी तरह से चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए, 2 बिल मानव अधिकारों को संविधान में लाने के लिए, और 2 बिल जो है वो आदिवासियों के अधिकारों को, सेकेंड जनरेशन के राइट्स को लाने के लिए। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इंडिया को वहां तक ले जा पाई, एपीआई के अलावा। सर, बहुजन समाज में राजनीतिक रूप से एक राष्ट्रीय नेता की कमी महसूस होती है, क्या आप या आपकी पार्टी इस कमी को दूर कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि अभी हम 20 राज्यों में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारा जो है वो सीरियस डेवलपमेंट हो रहा है, एपीआई में कई तरह के लोग आ रहे हैं, तो हम इसको नेशनल पार्टी करके ही बिल्डअप करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय जो ये डेवलपमेंट होगा, और 24 में तो मैं भी स्वयं चुनाव लड़ूंगा पार्लियामेंट का, तो मैं समझ रहा हूं कि आने वाले 5 साल से 10 साल में एपीआई जो है नेशनल अल्टरनेटिव करके ऊपर होकर आएगी देश। सर, जैसे अभी मौजूदा हालात हैं, इस टाइम पे जो अंबेडकरवादी हैं वो बहुत उभर के आ रहे हैं और हर मुद्दों पे बोल रहे हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो या कोई और भी मुद्दा हो, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, बहुत उभर के आ रहे हैं। तो अंबेडकर मनुवाद को सबसे बड़ी चुनौती भी दे रहा है इस टाइम पे, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर की फांसीवाद ताकतों के खिलाफ अंबेडकरवाद ही एक एकमात्र विकल्प है? नहीं मैडम, इसके लिए जो है हमको और उससे आगे जाकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो अभी जो डेवलप हो रही है, जिसको हम अगर भारत में कहूँ तो हिंदुत्व करके मैं उसको बोल सकता हूँ, आप जिसको मनुवाद कह रहे हैं, ब्राह्मणवाद कह रहे हैं, उसको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी जो आरएसएस एडवोकेट कर रही, वो हिंदुत्ववाद का है। इसके साथ हम कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के वजह से पूरे दुनिया में आए हैं। यानी इसमें जो एक तरफ हिंदुत्ववाद का कल्चरल और रिलीजियस नैरेटिव है, दूसरे तरफ जो है एक इकोनॉमिक नैरेटिव है जो दुनिया में डेवलप हुआ है, और इसमें डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स को पूरी दुनिया में जो है वो चैलेंजेस जो है वो निर्माण हुए हैं। अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर स्टडीज को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसके अंदर डेमोक्रेसी का जो राइज था थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के बाद का, जिसको सैमुअल हटिंगटन ने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो अभी पिछले 10 सालों में डेमोक्रेसी जो है वो रिसीड हो रही है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं जितना नजर आता है, और एक सिंपल टर्मिनोलॉजी अंबेडकरिज्म या अंबेडकरवाद बोल के इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ये मेरा क्लियर मत है। इसके लिए जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स है, जो मैंने 4 रिफॉर्म्स बोले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये 4 रिफॉर्म्स को जो है करने की जरूरत है, और साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करने की जरूरत है, मानवता को डेवलप करने की जरूरत है, तब जाके ये सॉल्व होगा। अगर आप मुझे टर्मिनोलॉजी में पूछेंगे तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म या अनेक अंगो मग्गो में इसका समाधान है। सर, जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, और वो एक तबके को पसंद करती है, भले ही वो सामने नहीं है, और जो बहुजन समाज है उसको इग्नोर करती है, दरकिनार करती है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इसलिए हो रहा है मैडम क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। भारत के अंदर में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, तो ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में ट्रू रिप्रेजेंटेशन सारे लोगों का जाता ही नहीं है। अभी आप देखिए, अभी हमारे देश में 25 लाख पर एक मेंबर पार्लियामेंट हो गया है, 3.5 लाख पर एक एमएलए हो गया है, ब्रिटेन में 1 लाख पर एक एमपी है, क्यूबा में जो है वो 20,000 पर एक एमपी है,
चाइना में जो है वो जो है 4 लाख पर एक प्रतिनिधि है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और अगर हमको मान लीजिए लोकसभा में 5 लाख वोट मिलता है एक पार्टी को और दूसरे पार्टी को 5 लाख एक वोट भी मिल जाता है, तो वो पार्लियामेंट जाता है, 5 लाख वाला घर बैठता है, यानी 5 लाख वोटर नॉन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो भी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, जैसे अगर बीजेपी है उसको 35% वोट मिला, लेकिन उसको जो है अगर आप 545 में कैलकुलेट करें तो 180 सीट आना चाहिए था, लेकिन उसको 303 सीटें आई, यानी लगभग जो है 130-133 सीटें उसको फ्री में मिल रही है। एनडीए को ये कैलकुलेशन से जो 45% वोट है उसको 250 से कम सीटें आना चाहिए था, तो उसको जो है वो 335 के ऊपर सीटें आई है। तो ये इलेक्टोरल सिस्टम डिफेक्टिव है, जो मैं बार बार कहता हूं कि भारत की संविधान सभा ने 4 जनवरी 1949 को बगैर सोचे समझे जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया, ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। और उसमें ईवीएम वगैरह के प्रॉब्लम साइड हुए, जब तक ये रहेगा तब तक हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी नहीं होगी और डेलिब्रेटिव नहीं होगी, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बना रहेगा देश के अंदर। सर हमारे देश में जो पिछड़ी जातियां हैं वो पीछे होती जा रही है और भी ज्यादा, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं। किसानों का भी इतना इतना बड़ा जो मुद्दा भी चल रहा है इस टाइम पे, किसानों को लेकर आपकी पार्टी क्या करने जा रही है, क्या किस तरह से देखती है भविष्य में? देखिए, किसानों के लिए सबसे अच्छा जो रिकमेंडेशन है स्टडी वो स्वामीनाथन कमीशन का है, और स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन को अगर लैंड रिफॉर्म्स के साथ में अगर लागू कर दिया जाए और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है, जिसको थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, तो स्वामीनाथन कमीशन के साथ लैंड रिफॉर्म्स और जो है वो थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी एनेबल्ड, अगर इसको लागू कर दिया जाए तो भारत की किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन मैडम, भारत की बेरोजगारी केवल किसान के सेक्टर में अच्छा करने से दूर नहीं होगी, क्योंकि आप अगर कोई भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को देखेंगे, अगर मैं अमेरिका का उदाहरण लूं, जापान का उदाहरण लूं, फ्रांस का उदाहरण लूं, जर्मनी का लूं, स्वीडन का लूं, ब्रिटेन का लूं, जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हुई है वहां पर एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का सेक्टर है वो 10% से कम होता है। 90% जो शेयर होता है वो इंडस्ट्रियल बेस में होता है और सर्विसेज सेक्टर में होता है। इट इज कॉल्ड, जिसको रोमर और सालो ने कहा कि इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, यानी यदि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारा इंग्लिश एजुकेशन नहीं होगा, हायर एजुकेशन 90% के ऊपर हम लोग एनेबल नहीं करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम 1 करोड़ नौकरियां जो हर साल निर्माण करना है वो नहीं कर पाएंगे, और फिर हम $5 ट्रिलियन वगैरह जो है वो पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो ये केवल एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व करने का इश्यू नहीं है, भारत को इंडस्ट्रियल नेशन बनाना होगा, एग्रीकल्चरल नेशन नहीं। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम जो है, कम से कम 50 करोड़ लोगों को इंडस्ट्रीज में जॉब देने की जरूरत है इंडिया में, वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए नई तरह की पॉलिसी लगेगी। सर अभी मतलब अभी जो 2019 की रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, उसमें देखा गया है कि दलित आदिवासियों को सबसे ज्यादा जेल में डाला गया है, और जो लिंचिंग हो रही है वो मुस्लिमों की हो रही है, दलितों की हो रही है। तो आगे अगर एपीआई जीत जाती है तो ऐसे केसेस में क्या वो नए कानून लाएगी? बिल्कुल, ये देखिए मैडम, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स लाना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स नहीं है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो इवन प्रीएम्बल में ह्यूमन राइट्स का मेंशन नहीं है। और जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन इंडिजिनियस राइट्स बोले जाते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स कहते हैं, जिसको हमने साइन किया है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को, लेकिन हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो 2005 का जो एक्ट है ब्रिटेन का, या 1998 का जो एक्ट है, या पूरी यूरोपियन कंट्रीज को या अफ्रीकन कंट्रीज को देखेंगे, तो दुनिया में आज कम से कम 1,250 कंट्रीज के ऊपर ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, पर हमारे संसद ने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ह्यूमन राइट्स को पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और लॉ ऑफ रिपारेशन एंड रेस्टिट्यूशन, ये दो बहुत बड़ी कंसेप्ट है जो मिसिंग है एट्रोसिटीज एक्ट में, या लिंचिंग का जो भी लॉ बनता है या हेट स्पीच का लॉ बनता है, उसमें लॉ ऑफ रिपारेशन एंड रेस्टिट्यूशन को लाना पड़ेगा, तब जाके ये दूर होगी, वो एपीआई करेगी। देश की आधी आबादी यानी महिलाएं एपीआई की तरफ क्यों जाए, उनके लिए क्या खास नीतियां हैं एपीआई के पास? क्योंकि जितनी मैं पॉलिसीज बोल रहा हूं उसमें जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज है, और मैंने जब ये बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो है वो बना के दिए, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एफपीटीपी का हाइब्रिड सिस्टम का
कैलकुलेशन करके दिया, उसमें 33% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबलीज में, इसका कैलकुलेशन भी करके दिया है कि सिस्टमेटिक कैसे हो सकता है। और मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज है, जिसको यूनाइटेड नेशन प्लानिट 50-50 कह रहा है 2030 तक, वो पॉलिसीज को जो हमने अडॉप्ट किया अपने पॉलिसीज में महिलाओं के लिए। सर, जैसे अभी ये सारी अंबेडकर पार्टियां बटी हुई हैं, अलग अलग लड़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी हो गई या चंद्रशेखर की हो गई या अघाड़ी पार्टी हो गई, तो क्या इनको भविष्य में एक साथ आना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो वोट बैंक बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है भविष्य में एक साथ आके लड़ना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार आ रही है और हर जगह से जीत रही है, उनका वर्चस्व हो रहा है पूरे देश पर धीरे धीरे, तो क्या एक साथ बहुजन समाज पार्टी को आना चाहिए, अंबेडकरवादी पार्टी को एक साथ आना चाहिए? देखिए वो तो उनका सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एक प्रिंसिपल और पॉलिसी के आधार पे जो जो लोग उसको एग्री करते हैं वो पार्टी इसको जो है एक अच्छे तरह का अलायंस करके लड़ने से जो है वो फायदा होगा देश में। अगर मान लीजिए मर्जर ना भी हो सके तो लिमिटेड अलायंस करने का सोचना चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए, कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड या क्रीड बेस्ड नहीं होना चाहिए। सर, अभी शिक्षा खत्म की जा रही है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि शिक्षा खत्म हो रही है और सरकारी जो नौकरियां हैं वो खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो एपीआई क्या करनी जाएगी इसमें, अगर कि धीरे धीरे ये सब खत्म हो और सब चीज पटरी पर आ जाए पहले जैसे? देखिए अभी तो हमारे हाथ में जितने जो वेज है वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि देखिए अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इकोनॉमिक मॉडल लेड आउट नहीं है कि भाई एग्जैक्टली हमारे को सोशलिस्ट मॉडल चाहिए या कैपिटलिस्ट चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके विषय में साइलेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट रहेगा भी इसमें। लेकिन अगर आप अर्थशास्त्री जो बहुत फेमस अर्थशास्त्री है थॉमस पिकेटी, उनका लेटेस्ट बुक यदि आप रेफर करेंगे कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, तो उन्होंने कहा है कि यदि ये जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म की जो प्रॉब्लम है, जो कैपिटल को बहुत ज्यादा वेटेज देता है, लेबर को जो है वो डिसइंसेंटिव देता है, यानी 1% लोगों के पास में जो है वो बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है 10% लोगों के पास, और 90% के पास में कुछ नहीं बचता है। जैसे भारत की यदि मैं बात करूं तो हमारा GDP 200 लाख करोड़ का है अभी मोटे तौर पर, उसमें 56 लाख करोड़ यानी 27% GDP ये भारत के केवल 953 फैमिलीज के पास में है। और इसका यदि आप स्टडी करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट और उसके पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब से जो है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का 1991 में पॉलिसीज लाई गई, उसके बाद से सिस्टमैटिकली जो है इस तरह की पॉलिसीज फेवर की गई और बैंकिंग फ्रॉड किए गए, जिससे 953 या लगभग 1000 फैमिलीज जो है वो सुपर रिच हो गई देश के अंदर में। उनके पास 27% GDP है जबकि सरकार के पास केवल 13% GDP है। तो ये कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म जो है इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगेगा। तो प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स को अगर गवर्नमेंट है अगर वो डिसीजन लेती हो तो आप एजुकेशन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप लिटिगेशन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेगा, लॉ को रीड करेगा और कहेगा कि प्रोविजन में इसलिए हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। पर लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उसके अंदर में एक पब्लिक वॉइस क्रिएट हो, एक अवेकनिंग क्रिएट हो, और मोदी सरकार की टोटल पॉलिसीज ये लोगों के खिलाफ कैसे है, ये श्रमिकों के खिलाफ कैसे है, वो किसानों के खिलाफ कैसे है, वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ कैसे है, वो देश के खिलाफ कैसे है, इसका बहुत बड़ा अवेकनिंग करने की जरूरत है। और लिमिटेड सीट जीतकर पार्लियामेंट में जाकर फिर ये काम करने की जरूरत है। सर, बहुजन समाज में जैसे मायावती ने अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन वो एक स्टेट के तरफ ही रह गई, पूरे देश में नहीं उभर पाई, और अभी जो है बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद हैं जो उभर कर आ रहे हैं, और बहुजन समाज में एक उभरता हुआ चेहरा है जिनको सब जान रहे हैं और उनके तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो एपीआई के पास ऐसा कौन है जो उनको पीछे छोड़ दे? नहीं, आप एपीआई का कॉम्पिटिशन कोई चंद्रशेखर आजाद से नहीं है। आप ये जो है देखिए, हम व्यक्तियों से कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं, हमारा मेजर फोकस होता है कि पॉलिसीज क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। उस लिहाज से जो है एपीआई के बराबर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी अगर मैं आप जिनका नाम लिया वो पार्टीज को अगर विषय में पूछेंगे और मैं उनको पॉलिसी के डिटेल पे बात करूं तो बात नहीं कर पाएंगे। जो वो लीडर कैसा, जिसको देश को आगे कैसे ले जाना है, इसकी नीति नहीं मालूम वो लीडर, उसको मैं लीडर नहीं मानता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, लीडर वो होता है जिसको नॉलेज हो, इंटेलिजेंस और विजन हो, वो लीडर हो। और ऐसा व्यक्ति अगर चुन कर जाए तो परिवर्तन आएगा, अदरवाइज 545 जो है मेंबर पार्लियामेंट में
लगभग जो है 129-30 तो एससी एसटी के एमपी है ही ना अभी भी, और 200 के ऊपर ओबीसी के एमपी है, वो बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे? बीएसपी के भी तो एमपी है ना इतने सालों से लोकसभा के अंदर, आज भी 10 एमपी है, फिर वो क्यों नहीं, एक भी अमेंडमेंट क्यों नहीं ला पाए कॉन्स्टिट्यूशन में? उनको समझ नहीं है, जिसको समझ नहीं वो नेता नहीं है। और मैं समझता हूँ भारत की जनता जो है उसको ये समझ नहीं कि देश को आगे कैसे ले जाना है, उसको एजुकेट करने की जरूरत है। तो हमारा कॉम्पिटिशन किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, लेकिन एपीआई बेस्ट पार्टी है देश की। और मैं टैलेंट जो है, टैलेंट और नॉलेज के मामले में, क्योंकि मैं स्वयं बोलना ठीक नहीं, लेकिन आज मेरा 30 ईयर्स का स्टडी है और वर्ल्ड लेवल का स्टडी है, मैं जानता हूँ देश और दुनिया में क्या करना है। तो जब पार्लियामेंट पहुंचेंगे तब ये डिसाइड होगा कौन क्या कर सकता है, अभी तो पब्लिक परसेप्शन है वो चलते रहता है। दरअसल हमारे जो देश में जो जनता है वो मुद्दे नहीं देखते हैं, वो लोग चेहरा देखते हैं कि किसको हम वोट दे रहे हैं, इसलिए तो ये हाल है मैडम। अभी देखिए कोरोना का जो है सोल्यूशन साइंस में, और हम लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक देश, देखिए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है दैट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। जब तक उस देश के नागरिक सुजान नहीं होते, डेमोक्रेसी एनरिच नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती। आप ये बात फ्रांस में क्यों नहीं होती है, जर्मनी में क्यों नहीं होती है, स्वीडन में क्यों नहीं होती है, चाइना में क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां के लोगों को समझता है कि गॉड है या नहीं, रिलीजन है या नहीं, कल्चर है या नहीं, या क्या पॉलिसी से अच्छा होगा या नहीं होगा। हमारे देश में तो ये समझता ही नहीं है। तो ऐसा समझिए कि कॉमन भाषा में उसको कहते हैं मदारी आता है, मदारी डमरू बजा के लोगों को मूर्ख बना लेता है, मदारी चेंज होता है, नाचने वाले लोग वही रहते हैं। तो ये जमहूरियत को चेंज करना है तो क्वालिटी ऑफ सिटीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही काम एपीआई करती है कि हम ज्यादा एजुकेट करके वोटिंग लेते हैं, कास्ट और क्रीड के आधार पे या पॉपुलर परसेप्शन के आधार पे वोट नहीं लेते हैं। और आपको मैं कहूंगा कि एपीआई का जो ग्रोथ है वो काफी स्टेडी और स्टैटिक है, और जितने पार्टीज का आप नाम ले रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा ग्रोथ है अगर आप 5 साल 10 साल 6 साल में यदि आप देखेंगे तो। बिल्कुल, शिक्षा की कमी है हमारे देश में, इसलिए हमें शिक्षा को पहले बढ़ाना होगा। आखिरी सवाल सर, बहुजन समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे भारत के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग दीजिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज जिनको आप बहुजन कहते हैं, इंक्लूडिंग महिलाएं, किसान और श्रमिक जो है और युवा है, यानी भारत के लोगों के लिए ये सोल्यूशन देना चाहूंगा कि भारत को यदि ग्रेट बनाना है तो साइंस की जरूरत है। ये मेरा सबसे बड़ा जो है वो संदेश है। ये रिलीजन से नहीं होगा, कल्चर से नहीं होगा, साइंस और नॉलेज से और ह्यूमैनिटी से इंडिया ग्रेट होगा। ये बात जो है वो मैं बहुत अफर्मेटिवली कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ है। जब तक भारत के लोग साइंटिफिक थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज को जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे, केवल शिक्षा नहीं, नॉलेज बेस्ड और साइंस बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, और ये जो 4 रिफॉर्म्स मैं कह रहा हूं, मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये 4 बड़े रिफॉर्म्स, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है लेकिन उसमें सब कुछ नहीं है, उसमें पॉजिटिव अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। और जब तक 2-4 अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप नहीं होगी, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है मान लीजिए अमेरिका की, या लेबर पार्टीज है, या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज है यूरोप की, या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी भी है, भले कम्युनिज्म को हम नहीं मानते पर उसका एक्सपर्टीज को देखिए आप, जब तक ऐसी पार्टीज डेवलप नहीं होगी जो साइंस को और नॉलेज को और ह्यूमैनिटी को बेस बनाती है, या ह्यूमन राइट्स को बेस बनाती है, पॉलिसीज को बेस बनाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती, तब तक इंडिया जो है वो आगे नहीं जाएगा। तो इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाना है, भारत को महान गोंडवाना बनाना है, तो साइंस की, नॉलेज की और मानवता की जरूरत है, एक नीति बेस्ड पार्टी की जरूरत है जो एपीआई जो है उभर कर आ रही है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि एपीआई अपनी एक नई पहचान बनाए और बहुजन समाज के सामने एक नई उम्मीद जगाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ जोहार, जय सेवा, गोंडवाना और जय भीम भी आपको। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। आईएफएससी कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, आईएफएससी कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई।
आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर यूपीआई के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।